उत्तर प्रदेश के इटावा में जिला प्रशासन के हंटर के बाद कानूनी और गैर कानूनी ढंग से संचालित 200 के आसपास मीट की दुकानों को बंद करा दिया गया है। यह कार्रवाई सीएम उमेश कुमार मिश्रा के सघन दौरे के बाद इसलिए की गई क्योंकि खुले आम मीट बेचने से सड़कों पर चलने वाले लोगों को परेशानी होती है। कई बार मीट वालों को इस बात की चेतावनी लिखित, मौखिक और पुलिस के जरिए दिलवाई भी गई, लेकिन किसी भी मीट दुकानदार ने निर्देशों का पालन करने की जरूरत नहीं समझी। इसी कारण सख्त कदम उठाकर सभी दुकानों को बंद करा दिया गया है। जिन दुकानों को अनुमति दी भी गई है वो भी रद्द कर दी गई है। शहर में बिना लाइसेंस और मानक पूरे किए बगैर चल रही नॉनवेज की दुकानें बंद कर दी गई। उनके लिए स्थान चिन्हित किया जाएगा ताकि शहर में गंदगी का वातावरण ना बने। इन दुकानों को सार्वजनिक स्थल से हटाकर निर्धारित नॉनवेज फूड जोन में भेजने का खाका जिला प्रशासन ने तैयार किया है। फूड जोन के लिए जगह पालिका देगा। सबसे व्यस्त इलाके नौरंगाबाद चौराहा और गिलहरी पुल के पास सबसे ज़्यादा नॉनवेज की दुकानें लगती है। ग्राहकों की भीड़ की वजह से मुख्य रास्ता बंद हो जाता है। इसके अलावा करहान पुल, अरविंद पुल, स्टेशन रोड शहर के फिश पॉइंट बन गए हैं। सड़क किनारे खुले में मछली और मुर्गा बेचा जाता है। इन पैड दुकानदारों को यहां से हटाया जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट उमेश कुमार छानबीन शुरू की तो पता चला कि FSDA फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे शहर में केवल 32 दुकानों को नॉनवेज काटकर बेचने का लाइसेंस जारी किया है, लेकिन करीब 200 से ज़्यादा दुकानें अवैध तरीके से चल रही है। पकाकर नॉनवेज बेचने का लाइसेंस किसी भी दुकानदार के पास नहीं है। इस अनियमितता पर FSDA से रिपोर्ट तलब करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने दुकानें हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट उमेश मिश्रा ने बताया कि नॉनवेज के लिए अलग फूड जोन बनाने का प्रस्ताव नगरपालिका को दिया गया है। यह फूड जोन सार्वजनिक और भीड़भाड़ वाले इलाके से दूर बनाया जाएगा। इसके अलावा बिना लाइसेंस के चल रही दुकानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए जाएंगे। देखिए, ये शहर को साफ रखना, यहाँ के स्वच्छ माहौल को बनाए रखना ये आम जनता का, प्रशासन का ये कर्तव्य है। और इस परिप्रेक्ष्य में मुझे कई महीनों से कई बार मुझे लोगों ने मुझे बताया कि साहब आने आने में हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हम लोग निकलते हैं तो ये मीट की दुकानें जो हैं वो रोड पे जो खुली हुई हैं वो उससे प्रदूषण होता है और बदबू आती है और हम लोग बहुत दिक्कत होती है। इसको दृष्टिगत हमने ये प्रयास किया है कि जो दुकानें हमारी रोड पे हैं, मेन रोड पे हैं, उनको हमने कहा है कि आप अगर लाइसेंस नहीं है तो बिल्कुल बंद होंगी वो, और गलत हैं वो, लाइसेंस के बगैर चल रही हैं। और अगर लाइसेंस रोड पर भी उनका है तो मैंने ये कहा है कि लाइसेंस अपना शिफ्ट कराइए और अपना गली में और कोई ऐसी जगह पर करिए जो आम जगह पर और आम पब्लिक को दिक्कत ना होती हो। इसके अतिरिक्त हमने प्रयास किया है कि नगर पालिका से मैं बात करके और एक जगह ऐसे चिन्हित कराऊँ जहाँ पर इस तरह की दुकानें वहाँ लगें और जनता जिसकी आवश्यकता हो वो वहाँ जाकर एक साथ वहाँ से ले सके। लेकिन आम जगह पर, आम रोड पर, स्कूल, मंदिर, ऐसी जगहों पर ऐसी अगर शिकायतें आती हैं तो उस पर कड़ी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और समझाया भी लोगों को है कि ऐसा कोई काम ना करें जो आम नागरिक को, आम जनता को कोई दिक्कत हो, कोई शिकायत हो। मीट दुकानदार कामरान का कहना है कि बिना लाइसेंस चल रही दुकानें बंद होनी चाहिए, लेकिन लाइसेंसधारी दुकानदारों को उनकी जगह से हटाने पर उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो जाएगा। शहर से बाहर नॉनवेज फूड जोन बनाया गया तो वहां तक ग्राहक नहीं जाएंगे। हमारी प्रशासन से यही मांग है, जैसे हम लोग कारोबार करते हैं और थोड़ी सख्ती करके हम अपना पालन पूरा कराएंगे, हमारी दुकानें इसी जगह खुलवाना चाहिए बस। अधिकारियों का कहना है कि आपको दूसरी जगह चिन्हित करके वहाँ पे दुकानें दे दी जाएंगी सारे मीट कारोबारियों को। 30 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, एकदम हमें अलग कर दिया है। साधन तो कह रहा हम दुकानें आपको दे देंगे, लेकिन उसका प्रस्ताव बहुत बड़ा, कम से कम 2 या 3 साल लगाएंगे दुकानें जब अलॉट होंगी, फिर हम अपने बच्चा घर पालन कैसे करेंगे सर, आप ही बताइए ना जी। 15 दिन पहले सिटी मिनिस्टर साहब आए थे, कह लगे ऐसा है कि सिटी में ये आपकी दुकानें इसको बंद कर दो ये नहीं, और कोई रास्ता कोई बताया नहीं है। अब आगे तो क्या बताया, तो उनका हमने पालन किया है नहीं, 15 दिन से हमने उसका पालन किया, अब आगे देंगे हम तैयार हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए इटावा से नील कमल की रिपोर्ट।